लगाओ इलाज पाओ, शरीर पर आंच का असर तो बीमारी छू मंतर। अगर कफ आ जाए या बुखार आ जाए या पेट खराब हो जाए तो आप आम तौर पर या तो घर में देसी इलाज करेंगे या फिर डॉक्टर से दवाइयां लाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बीमारी को दूर करने के लिए कोई आपसे कहे कि शरीर के संग में आग लगा लो और बीमारी ठीक हो जाएगी, तो आप उस इंसान को पागल कहेंगे। वहां पर एक व्यक्ति दवाइयां या जड़ी बूटी की जगह आग लगाकर लोगों का इलाज कर रहा है और लोग उससे अपना इलाज करवा भी रहे हैं। पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से इस विद्या से चीन के लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। इस विद्या को फायर थेरेपी कहा जाता है। चीन में झांग फिंगाओ इस थेरेपी के जरिए लोगों का इलाज कर रहे हैं और वो इसके लिए काफी फेमस भी हैं। कई लोग उनके पास इस विधि से इलाज करवाने के लिए आते हैं। चीन में ऐसा मानना है कि फायर थेरेपी के जरिए तनाव, अवसाद, यहाँ तक कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर किया जा सकता है। झांग फेंगाओ बीजिंग के एक छोटे से अपार्टमेंट में इस अनोखे तरीके से लोगों का इलाज करते हैं। अपनी इस विधा में वो पहले मरीज की पीठ पर जड़ी बूटियों से एक लेप लगाते हैं और फिर उसे एक तौलिये से ढक दिया जाता है। फिर उस पर पानी और अल्कोहल का छिड़काव किया जाता है और मरीज के शरीर में आग लगा दी जाती है। चीन में ऐसा माना जाता है कि इलाज का ये तरीका पुरानी मान्यताओं पर आधारित है और शरीर में गर्मी और ठंडा के बीच सामंजस्य बिठाकर लोगों की बीमारी ठीक की जाती है। हालांकि फायर थेरेपी से लोगों के इलाज करने को लेकर कई सवाल भी खड़े हो चुके हैं। इनमें अहम है कि इलाज करने वाले के पास सर्टिफिकेट है या नहीं। लेकिन इस बारे में झांग फिंगाओ कहते हैं कि कई बार छोटी दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार लोगों के दूसरे अंग जल गए, लेकिन ये पूरी जानकारी के अभाव में होता है। बहरहाल फायर थेरेपी इन दिनों चीन में काफी मशहूर है और लोग बेझिझक इस थेरेपी से अपना इलाज करवा रहे हैं।